हाँ जी, जय हिंद राहुल, कैसे हो जय हिंद आप? सर। टोटली फाइन सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ राहुल, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑफलाइन के बाद। तो यस राहुल, एक बार बच्चों को आप बता दीजिए कि आप कौन सी एंट्री से सिलेक्ट हुए एनडीए के लिए, और क्या आपका एसएसबी था, और क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है? हेलो, माय सेल्फ राहुल राणा। आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 189 है। आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 14 एसएसबी इलाहाबाद। ओके, ग्रेट राहुल। तो राहुल, जैसा कि आप जानते ही हो कि एक एनडीए प्रिपरेशन जो बच्चा कर रहा होता है, दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है रिटन पार्ट, दूसरा आपका एसएसबी पार्ट होता है। तो यस स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है आपका रिटन एग्जामिनेशन में, तो आपके कौन यस से अटेम्प्ट में आपका रिटन क्लियर हुआ है? ये सर, इन माय थर्ड अटेम्प्ट। इन योर थर्ड अटेम्प्ट, तो आप मुझे बताइए पहले दो अटेम्प्ट आपने कहाँ से तैयारी करी, और आपको क्या लगता है क्या गलती हुई, फिर हम थर्ड पे बात करेंगे। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा इतना सीरियसली मैंने नहीं दिया था। सेकंड वन मैंने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया था फ्रॉम सिंगल बैच, एंड अच्छा, सेकंड वन में आई हैड डन वेरी वेल। मेरे नोट्स वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस में कमी रह गई थी सर। मॉक टेस्ट वगैरह में या डीपीपीज वगैरह में थोड़ी थोड़ी कमी हर पार्ट में रह रही थी। एंड इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई हैड स्कोर्ड अराउंड 357 और द कट ऑफ वॉज 360। आई हैड ऑलरेडी डन मोस्ट ऑफ माई पार्ट, तो आई हैड डिड माई बेस्ट। बट उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई नीड मोर ऑफ गाइडेंस। इफ आई गेट गाइडेंस पर्सनल तो वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। सो तो बाई पहले गॉड्स दो ग्रेस। अटेम्प्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी रह गई थी, यस आपने सर, नोट्स वगैरह अच्छे ऑनलाइन प्रिपेयर किए थे, यस सर, बस बस ऑनलाइन में यही थोड़ा सा रहता है। अगर बच्चा ऑनलाइन तैयारी करे, वैसे तैयारी तो कर सकता है ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से, क्या यस सर, मानते? टोटली हो सकती है। बिल्कुल, तो ऑनलाइन भी प्रिपरेशन बच्चा कर सकता है, तो ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकता, जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन भी कर सकता है, रीजनेबली सस्ता भी होता है ऑनलाइन भी, और यूट्यूब से भी करते हैं क्लियर बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर यस सकते, सर, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। ठीक है, यस बस सर, अपना सेल्फ प्रैक्टिस, जैसा राहुल ने बताया एक जगह पे गलती हो रही थी, प्रैक्टिस की है, कंटेंट तो सिमिलर मिल जाता है। चलिए यस। राहुल, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में फिर आपने कैसे तैयारी की और क्या किया आपने? तो सर, वी कुड हैव अफोर्ड ऑफलाइन कोचिंग, तो आई वेंट फॉर योर कोचिंग इन अम्बाला। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टू आई गॉट अ वेरी नाइस एनवायरमेंट सर। वहाँ पे जितने भी साथ वाले बच्चे थे, दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी सर। कभी ना कभी अगर मुझे लग रहा है मैं लैक आउट करूंगा, तो वो उन्होंने हमेशा हेल्प किया, हमेशा और पुश करवाया सर। और बाकी टीचर्स की गाइडेंस तो हर वक्त मिलती थी, तो इट हेल्प अलॉट सर। एंड बाय दिस वे, मैथ्स में मैं इतना बढ़िया नहीं रहा हमेशा से, बट इस बार आई वॉज एबल टू डू वेल इन मैथ्स एज वेल। बिल्कुल, तो मैथ्स में मैंने और प्रवीण सर दोनों ने इसको पढ़ाया है ऑफलाइन के अंदर, और दोनों ने बहुत अच्छा किया बच्चे ने, और जीएटी में भी कार्तिक सर, सनी सर, धीरज सर, तो इन सब लोगों का सपोर्ट रहा बहुत अच्छा, यस सर, तो ये बच्चे ने रिटन क्लियर किया। तो इसने ऑफलाइन कोचिंग अम्बाला से ली, और उदित भी था मेरा स्टूडेंट इसी के साथ, और मज़े की यस बात सर, है यस बच्चों, सर, ये दोनों अम्बाला मेरे पास थे ऑफलाइन अकेडमी, और सेम बोर्ड और सेम दिन रिकमेंड हुए ना तुम लोग, यस सर, यस सर। सेम बोर्ड से। बढ़िया, तो उदित आपका रूममेट था? नॉट रूममेट सर, बट हाँ बहुत क्लोज फ्रेंड था, साथ में तैयारी करते थे। ठीक है, बढ़िया। तो दोनों, देखो दोनों मतलब यहीं पे कोचिंग मिले, दोनों साथ हुए और दोनों सेम बोर्ड पे सेम दिन रिकमेंड हुए, और उम्मीद करते हैं उसका भी कॉल अप आ जाए। ठीक है, यस सर, उम्मीद तो है यस मुझे, आएगा फॉर श्योर, आना आ चाहिए। जाएगा सर, ठीक यस है, सर। चलिए, तो ये रिटर्न के लिए कुछ बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे कुछ बच्चों को? बुक्स तो सर मैंने स्पेशल कोई नहीं पढ़ी, जो आपकी ऑफलाइन में मिली थी, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए एक वो और एक दिशा की PYQ 17 ईयर्स वाले, वो मैंने अच्छे से कर ली थी बुक्स। और मैंने पढ़ाई काफ़ी सिलेक्टिवली की थी कि जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, ज़्यादा मैंने इधर उधर हाथ नहीं मारा था। कुछ याद है आपको कि मतलब क्या क्या आपने पढ़ा था, कुछ बच्चों को बताना चाहोगे, यार ये पढ़ लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है? सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे वेक्टर हो गया, 3D, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी इजी लगता था, फिर स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक। जो भी एक बार आई वुड सजेस्ट कि पूरा सिलेबस कर लो, ताकि जो भी इजी इजी क्वेश्चंस है वो मिस ना हो। फिर कुछ आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसमें आपकी होल्ड अच्छी है, उनको बढ़िया कर लो, उनको मास्टर कर लो। तो सर आई थिंक एनीवन कैन क्लियर द कट ऑफ फॉर मैथमेटिक्स। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली राहुल ने, छोड़ना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में आप सब कवर करो, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लो, स्ट्रेंथ पे और काम करो, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस आए वो आपके नोट्स में से आए, आपकी प्रैक्टिस शीट्स में से आए, और प्लस जो वीकनेस है उसमें एटलीस्ट अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो एक या दो आप कर पाओ, ठीक है, तो वो अच्छा रहता है। और यस सर, जीएस के लिए, मतलब जीएस के लिए आपने सिलेक्टेड पढ़ा था या पूरा पढ़ा था? क्योंकि जीएस तो इज वेरी फास्ट यार, मतलब उसको कैसे यस सर, बच्चा करे? सर GAT में इन पर्टिकुलर मेरी इंग्लिश वॉज गुड, एंड GS में मैंने हिस्ट्री का सिर्फ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। मैंने जो ओके, नहीं पढ़ा उसको टोटली छोड़ दिया, और जो पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ लिया था सर, कि इसमें से जो क्वेश्चन आए वो मैं कवर कर दूंगा। अच्छा, और ज्योग्राफी को ज्योग्राफी छोड़ मैंने, दिया?
यस सर, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने दोनों अच्छे से कर ली थी। अच्छा बढ़िया, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों अच्छे से राहुल ने की है कवर, और मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है। और मेरा भी सजेशन यही है, देखो जीएलटी जो है ना, जीएस जनरल स्टडीज का जो पार्ट है जीएलटी के अंदर, वो बड़ा वास्ट है, आपको सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप उससे पूछ लीजिए कि मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, क्योंकि टीचर लोगों को पता रहता है कि एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ से यूपीएससी ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, तो सारा नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेक्टिव पढ़ना चाहिए। बढ़िया, तो उसके बाद चलो, ये तो इसके अंदर कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे जीएटी के लिए? सर जीएटी में बुक से ज़्यादा आई थिंक पीवाईक्यूज और लेक्चर्स मैटर करते हैं। क्लास में अच्छे से सुन लो तो आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बुक तो नहीं रेफर करना चाहिए, और पीवाईक्यूज दिशा के आप ले सकते हो, अच्छा है, बट उसमें यस सर, लिखना की गलतियां बहुत होती हैं मैथ्स में यस तो, सर, खासकर काफी होती है, तो मतलब बुक अच्छी है, नो डाउट, काफी अच्छे से फ्रेम्ड है और अच्छा काम किया है, बट थोड़ा सा एरर उसके अंदर ज्यादा है, तो यस वो सर, टीचर से आप कर सकते हो। चलो, तो जी ये तो रिटन पार्ट हो गया, मेन बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे, एसएसबी पे। तो यस सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये एसएसबी का? नो सर, सेकंड अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट था? तो पहले आप इससे पहले कौन सी एंट्री से गए थे? टीईएस से, सर, बीटेक, नेवी टेक, नेवीटेक से, 10+2 यस सर, यस सेंटर सर, से। तो कहाँ पे सेंटर था आपका, सर भोपाल 33 SSB भोपाल तो क्या हुआ था उसके अंदर, स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट? सर, कॉन्फ्रेंस आउट। कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, तो क्या लगता है वहां पर क्या गलती की थी? और ये कोचिंग आपने शायद एसएसबी की ली है, ठीक है, आपने यस मुझे सर, बताया भी था। और तो ये जो कोचिंग की है आपने, वो पहली एसएसबी से पहले की थी या आफ्टर फर्स्ट एसएसबी की आपने? सर SSB की पहले SSB से पहले मैंने ले ली थी कोचिंग तो, अच्छा एंड जो मेरी फर्स्ट SSB में रहा था, कहीं ना जब बच्चा कोचिंग लेके जस्ट SSB देने जाता है तो वो थोड़ा प्रेशर में रहता है कि पैसे खर्च किए हैं, अभी अच्छे से परफॉर्म करना है, सेल्फ तो वो प्रिपरेशन का परफॉर्मेंस टाइम के नहीं ऊपर मिलता सर। बच्चे को। यस एग्जैक्टली सर, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है बहुत ज़्यादा सर। टोटली वो सोचता रहेगा कि यार मुझे यहाँ से पॉइंट्स अच्छे लेने हैं, मुझे ये बढ़िया करना है, बट इनमें सेकेंड SSB आई फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, मैंने सबको एंजॉय किया सर। GTO को गेम्स की तरह किया, साइकोलॉजी को मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, जो दिमाग में आ रहा था लिखा, नेगेटिव थॉट्स अवॉइड करके, एंड टोटली एंजॉय किया सर प्रोसेस को। बिल्कुल, तो टीईएस की या 10+2 बीटेक क्रेडिट एंट्री में और एनडीए की एंट्री में आपको क्या अंतर देखने को मिला? आपका वो क्या है परस्पेक्टिव, यार कौन सी ज्यादा मतलब इजी टू क्लियर है कुछ ऐसा लगता है? सर दोनों में सिर्फ स्क्रीनिंग तक का फर्क है, उसमें सिर्फ रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है तो स्क्रीनिंग कम होती है, एक बार स्क्रीनिंग हो जाओ तो प्रोसेस इज सेम सर। प्रोसेस से बिल्कुल, तो मेन बात ना डे वन की होती है स्क्रीनिंग की, क्योंकि अगर 10+2 में मेरे ख्याल आपकी 300-400 के करीब रिपोर्टिंग रही होगी यस सर, यस सर, मिनिमम, और एनडीए में आपकी 70-80 रही होगी, तो यस सर, एनडीए में 70 तो 80 के बीच में रहती है, और टीईएस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कई बार 500-500 बच्चे भी आते हैं एक बैच के अंदर, यस सर, ठीक है, तो ये रहता है 10+2 बीटेक क्रेडिट में भी, और 35 सीट्स ऑल इंडिया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मेरिट में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें, यस सर, दिस लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि 35 सीट्स ही है 10+2 बीटेक क्रेडिट में, बाकी स्क्रीनिंग के बाद तो सब प्रोसेस सेम ही हो जाता है। यस ठीक सर, है, तो आपके बैच में रिकमेंडेशन कितनी हुई थी? सर इन माय बैच 25 स्क्रीनिंग हुए थे, आउट ऑफ देम 10 वर रिकमेंडेड एनडीए दस वाले में। तो 10 बच्चे आप में से जो है एक ही बैच के अंदर रिकमेंड हुए थे, बहुत बढ़िया। यस सर, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ अपना, जिस दिन आप इंटरव्यू वाले दिन पे बात करते हैं हम लोग, जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए थे, तो कौन से दिन आपका इंटरव्यू हुआ था पहले तो वो ये बता दो। थर्ड सर थर्ड डे, डे इंटरव्यू हुआ था, यस, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे बताओ इंटरव्यू के अंदर जहां लगा था यार राहुल अब तो फंस गया, कोई ऐसी सिचुएशन आई आपको? दोनों एसएसबी लेके चलते हैं, 10+2 बीटेक क्रेडिट वाली भी और ये वाली भी एनडीए वाली, कि राहुल ये सर जो मतलब मेरी कि फर्स्ट आपको फंस गया यार। SSB थी ना, वहां पे कहीं ना कहीं मेरा करंट अफेयर्स, मेरा नॉलेज थोड़ा लैक कर रहा था, जो कि मैंने सेकंड SSB में इम्प्रूव कर दिया था बहुत ज़्यादा, एंड फर्स्ट SSB में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट ऑन मार्क, दे वर नॉट दैट गुड, क्योंकि तब मैं एक गलती करता था, मैं वोकैब वर्ड डालने की कोशिश करता था रैदर अच्छा देन यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड कॉन्वेइंग माई थाट्स, मैं ज़्यादा यूज करता था कि बड़े बड़े वर्ड्स बोलूंगा वो इम्प्रेस हो जाएगा, तो अंडरस्टूड, वो एक मिस्टेक करता था मैं, जो कि मैंने अगले SSB में इम्प्रूव की, मैंने नॉर्मल बात की, जो मेरे दिल में था सब कुछ बता दिया, एंड इस बार मेरे करंट अफेयर्स भी ब्रश्ड अप थे, तो उन्होंने एक से दो क्वेश्चन पूछे एंड ही वाज सेटिस्फाइड। ओके,
ठीक है। और सेकंड एस एस बी में? सेकेंड एसएसबी में तो सर इट वाज अ नॉर्मल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ज़्यादा मैंने कुछ टेंशन ही नहीं ली, आराम से बात की। ठीक है, तो मतलब आप कहीं फंसे नहीं। नो तो सर। अच्छा, एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात आई है, तो हाउ डू यू फील कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एस? सर इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू आप सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत हिंदी में बोल लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रुप डिस्कशन, व्हेन इट कम्स टू जीपी, अगर आपको अपना पॉइंट देना है, अगर आपको ग्रुप में एक इम्पैक्ट लाना है, एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन लानी है सर, तो देन योर इंग्लिश फ्लुएंसी हैज़ टू बी डिसेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए सर। बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं, बिकॉज एज एन ऑफिसर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी काम करना है, वो सारा अंग्रेजी में ही करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, और एसएसबी में भी सारे टास्क इंग्लिश में ही होते हैं। यस सर, बात कर लेते थोड़ा जीडीओ टास्क के बारे में। तो यस सर, जीडीओ के अंदर जो जीपी होता है, स्पेशली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसके अंदर फाइनल स्टोरी, फाइनल और वो देना होता है कि आपने यस फाइनल सर, सोल्यूशन बताना होता है कि ये प्रॉब्लम्स यस है, सर, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, यही सब होता है ना जीपी में, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कहीं पे यस सर, शेर किसी की बकरियां खा रहा यस सर, है, रेलवे स्टेशन पे कोई पटरियां में से किसी ने निकाल लिया है, यही होता है जीपी यस के सर, अंदर। आई रिमेम्बर जब यस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो यही होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, 15 मिनट मिलते हैं। सर, तो ये सारी चीजें जब होती हैं, तो फाइनल सोल्यूशन देना होता है। वो फाइनल सोल्यूशन आपने दिया था या ग्रुप में किसी और लोगों ने दिया था, और आपको क्या लगता है उसके फाइनल सोल्यूशन के कितने ज्यादा एक एडवांटेज मिलती होगी बच्चे को? सर फाइनेंस फाइनेंस सॉल्यूशन दिया था जस्ट नंबर 18 ने, आर्यन सेमवाल, ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड दो, पर मैंने ग्रुप में एक चीज हमने सबने बहुत अच्छी की कि जिसके प्लान ज़्यादा बढ़िया थे, एट लास्ट जो पूरा प्लान ग्रैस्प कर पा रहा था, पूरी स्टोरी को अच्छे से सुन रहा था, वी नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड दैट पर्सन, और उसने जो बात हुई एग्जैक्टली वही सेम बोली। अगर उसी की जगह वो कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड करता तो शायद उसको नुकसान होता, बट ही सेड वट एवर वॉज डिस्कस्ड इन द ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर मैं ना स्टूडेंट्स को एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी एसएसबी की भी याद आ रही है, वहाँ पे जीपी में एक प्रॉब्लम थी, आई स्टिल रिमेम्बर। वहाँ ये था कि मंदिर के अंदर कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और वहाँ पे डेकोइट्स आ गए थे, तो उन्होंने मंदिर के प्रसाद के अंदर ना जहर मिला दिया था। तो एज एन इंडिविजुअल व्हाट विल यू डू? तो मैंने जो आइडिया दिया था, आई रिमेम्बर कि मैंने कहा था कि इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अजीबोगरीब बातें कर रहे थे कि हम लोग लंगर रुकवा देंगे, मतलब ये करना रिलेटिवली पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से ना। तो यस मैंने सर, बोला था कि जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, आप उनसे बताएंगे ये बात, वो भी इतनी जल्दी बिलीव नहीं करेंगे कि यार कैसे जहर मिला दिया किसी ने पीछे यस से, सर, बेवकूफ बोल रहा है ये। तो मैंने उनको कहा था कि आप प्रसाद को अगर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना कहीं पे, तो चींटियां आ जाएंगी इस पे, और यस चींटियां सर, जो एसिड होता है उसके अंदर प्रसाद में, अगर उसके अंदर होगा तो चींटियां खाएंगी नहीं उसको। ठीक यस है, सर, तो ये मैंने दिया था। तो ऐसे ही रियलिस्टिक आइडियाज देने होते हैं, मतलब हवा में बात नहीं करनी होती कुछ भी ना। यू कैन नॉट बी अ सुपरमैन कि आप कुछ भी बोल दो और चल जाएगा कि मैंने कन्विंस कर दिया उनको। मतलब रियल लाइफ में मेरे हिसाब से ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि आपके खाने के अंदर जहर है किसी को। ठीक है यस ना, सर, ये खा के तो उसको कोई भी देखने वाला नहीं है यस सर, पहले, तो ना मैं खा के दिखा सकता हूँ ना सामने वाला खा के दिखा सकता है। तो ये चीज थी। तो मतलब आपके में 18 चेस नंबर ने दिया था, एंड ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड। और यस व्हाट सर, अबाउट ग्रुप डिस्कशन, इनिशिएशन का कितना रोल रहता है जीडी के अंदर? जैसे जो दो जीडी होते हैं आपके यस सर, जीडीओ टास्क के अंदर, एक तो जीडी के तीन टॉपिक्स देता है जीडीओ। यस तीन सर, टॉपिक्स क्या मतलब, बोल देगा कि कोई एक टॉपिक बोल देगा, उसके तीन पॉइंट्स बोल देगा, जैसे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन इंडिया, गवर्नमेंट यस सर, एम्प्लॉयज, सिटीजन, या वो कोई भी आप पॉलिटिशियंस ले लो। ठीक है, यस ऐसा सर, कुछ टॉपिक दे देते हैं। तो इसमें इनिशिएशन का कितना रोल होता है? इनिशिएट सर इनिशिएट करने का रोल उतना होता है, इट डज प्ले अ पार्ट, पर आई थिंक मेरा ओपिनियन है जीडी के बारे में कि ये मैटर नहीं करता कि आप पॉइंट बोल कितने रहे हो, मोर देन दैट ये मैटर करता है आप लोगों की कितने सुन रहे हो, उसको ग्रैस करके आप अपना पॉइंट दे रहे हो, कोरिलेट करके जब अपने पॉइंट दोगे एक तो इम्पैक्ट आता है, एंड दूसरा जीटीओ को भी समझ लगती है कि ही नोज हाउ टू टॉक अमंग पीपल। तो इसके अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे करप्शन की बात आई, तो मैं बोलूं कि चारा घोटाला के बारे में मैंने बता दिया,
या फिर मैंने 3G स्कैम 4G स्कैम के बारे में बता दिया, या इस साल में हुआ था, ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्या लगता है फैक्ट्स देने जरूरी हैं GD के अंदर या रैंडम कुछ भी बोलते रहो? सर फैक्ट्स दोगे तो एक कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, हर कोई फिर आपको केयरफुली सुनेगा। अगर नहीं भी दोगे, अगर आपके पॉइंट में दम है तो भी सुनेगा, पर फैक्ट से एक ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहती है बोलने के लिए। हाँ, फैक्ट से बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ 2015, ये 2015 से ही बच्चे की अटेंशन आ जाएगी, राइट? क्योंकि मैं फैक्चुअल नॉलेज यस दे सर, रहा हूँ। या मैंने चारा यस सर, घोटाला के अंदर बता दी कि 26,432 करोड़ का स्कैम हुआ था, मतलब यस सर, रैंडम, ये तो मैं रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में अगर हुआ था, आपको नॉलेज है उसके बारे में, एंड अगर आप वो चीज़ बोलते हो तो इमिडिएटली सबकी अटेंशन आपके पास आ जाती है, एंड आप यस सर, उसके बाद उसको वॉइस मॉड्यूलेशन से चेंज अप डाउन कर सकते हो। अच्छा, कई लोग ना GD के अंदर बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत धीरे यस सर, बोलते हैं, बहुत पतली आवाज होती है वो, मतलब तो वॉइस का अप डाउन करना की कितनी इम्पोर्टेंस आपको लगती है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन आपको ना छोटे 1-2 सेकंड के स्लैब्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको अपना पॉइंट डालना है। तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिटी लाउड सर, थोड़ा लाउड बोल के फिर धीरे धीरे आप अपनी वॉइस नॉर्मल ला सकते हो, पर एक अटेंशन सीक करने के लिए, थोड़ा अटेंशन खींचने के लिए थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा बच्चों को, ये बात यस याद रखना, अगर आप सॉफ्ट को कौन है तब भी वहां पे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा, बात कर लेते हैं आगे वीडियो टास्क के बारे में, कमांड टास्क के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कमांड टास्क से पहले GD ऑफिसर आपसे कोई 2-3 सवाल पूछता है कॉन्वर्सेशन के, तो आपसे क्या पूछे थे वो? सर, मेरा तो ये काफ़ी लंबा चला था सेशन, 10 to 15 मिनट्स। जैसे अच्छा ही मैं गया, पहले तो पूछा कि हाउ आर योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कैसी रही परफॉर्मेंस। मैंने बोला गुड सर, आई कुड डू ओनली 12, बट आई थिंक आई कुड हैव डन मोर, आई हैव प्लेड स्पोर्ट्स माई होल लाइफ। कहता है अच्छा, नो प्रॉब्लम, फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। मैंने बोला सर, इट डज नॉट मैटर, आई एम लुकिंग अप टू व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। वो कहता टोटली कीप दिस एटीट्यूड। फिर आगे चलते चलते उन्होंने पूछा कि फैमिली में और कौन है, आर्मी में मोटिवेशन कहाँ से आई, आर्मी ज्वाइन क्यों करनी है, एज एन ऑफिसर ही ज्वाइन क्यों करनी है, एज अ जवान क्यों नहीं ज्वाइन करनी। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके ग्रुप में ऐसा कौन है जिसको आप नहीं बुलाओगे, अपना सबॉर्डिनेट। तो सर एट दैट टाइम एवरी वन वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैंने बोला नो वन लाइक दैट सर। फिर उन्होंने पूछा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने पूछा अपने ग्रुप को रैंकिंग करो, 1 2 3 4, ऐसे हर एक कैंडिडेट को रैंक करो भाई चेस्ट नंबर। मैंने बोला सर चेस्ट नंबर 24 फर्स्ट, विच वॉज माइंड, अदर देन दैट एवरी वन सेकेंड। उन्होंने काफ़ी फोर्स किया कि ये एक आधा ऊपर नीचे कर दे, बट आई सेड नो सर, ऑल ऑफ देम आर इक्वली क्लोज टू मी। तो ऐसे काफ़ी लंबा चला इंटरव्यू, एंड आफ्टर दैट ही शोड माय टास्क सर। ओके, तो जो कमांड टास्क था उसके अंदर आपने किसको नॉमिनेट किया सर इन माय कमांड टास्क आई हैड नॉमिनेटेड चेस्ट नंबर 18 एंड चेस्ट नंबर 19 एज माय सबॉर्डिनेट, था? तो ये क्योंकि आपके 18 पहले से जो नोन थे या स्क्रीनिंग टाइम से नोन थे, या उसी की कैपेबिलिटी देखी आपने, यार ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं? सर एज पर माई टास्क, पहले तो मैंने PGT में नोटिस कर लिया था उनको कि जब हम पीछे से आइडिया दे रहे हैं तो वो आइडिया को अच्छे से लगा रहे थे, सबके आइडिया सुन के देवर इम्प्लीमेंटिंग इट वेरी वेल सर, तो इसलिए वो आई रिकमेंड गॉट द हुए? बोथ ऑफ देम। यस सर, दोनों रिकमेंड हुए। ओह ग्रेट, चलो। और तो फिर आपको कैसा टास्क मिला था? कमांड टास्क बॉम्ब डिफ्यूजन मिला था या कैसा मिला था? नो सर, उसमें 3 रूट्स थे, तो टास्क था तो सिंपल, पर उन्होंने काफी रेड ब्लू किया, काफी चीजें तोड़ दी। अच्छा, रेड ब्लू किया तो आपको मोल्ड यस किया, सर, तो यस सर, ये निशानी होती है कि GTO वांट्स टू रिकमेंड यू। जब GTO आपके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा है और ग्रिल कर रहा है आपको, बोल रहा है ये वाला नहीं, ऐसे नहीं, वैसे बताओ, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, बोलो बताओ यार राहुल, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, तो थोड़ा प्रेशर पुट इन करने की कोशिश करते हैं। आपका टेम्परामेंट लेवल, आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहा होता है GTO, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में यार आगे, यस तो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या पूछा आपसे और कितनी दिलचस्प सर। कॉन्फ्रेंस तो पहले मेरा वेटिंग पीरियड वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स, तो बाहर में ये भी बैठा एक रहा। निशानी होती है, 10 से 15 मिनट अगर ऑफिसर्स आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, दैट मींस यू आर वैल्यूएबल टू देम, यू हैव सम वैल्यू, तभी आपके ऊपर टाइम लगाया जा रहा है और डिस्कशन हो रहा होता है अंदर, ठीक यस है? सर, तो एज सून एज आई एंटर्ड तो मेरी कॉन्फ्रेंस भी चली थी, 10 मिनट्स तो अराउंड चली थी। दे क्या आस्क क्या मी पूछा? अबाउट द सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क मी अबाउट द पोजिशन आई हेल्ड इन माई स्कूलिंग, कि यू आर हाउस कैप्टन, तो तुम्हारी ड्यूटीज क्या थी। तो मैंने बताया कि सर आई यूज टू अरेंज मैनेज ऑल द कॉम्पिटिशन्स, मेरा काम ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव था। तो उन्होंने बोला कि स्कूल में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे। तो आई सेड कि सर आई यूज टू डिवाइड माई वर्क, मैं रिस्पेक्टिव क्लासेस के क्लास लीडर को बोल देता था कि यू लुक आफ्टर योर क्लास,
एंड इफ देन देर इज एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल लुक आफ्टर इट। तो वो फिर उन्होंने एक सिचुएशन दी कि तुमने पंडाल सेटअप की हुई है और क्या उस सेटअप की हुई पंडाल है? पंडाल सर सीटिंग के लिए जिसमें ठीक बच्चे है, बैठते हैं ना, हाँ हाँ तो उस पंडाल का एक क्लोथ गायब हो गया, वो चोरी हो गया अंडर अंडर यू। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप क्या करोगे? तो मैंने बोला सर आई विल गो एंड फाइंड द पंडाल पीस, पंडाल क्लोथ, इट वुड बी इन आर स्कूल ओनली। वो कहते हैं हाउ विल यू फाइंड इट? मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड चेक द कैमराज। वो कह रहे थे लाइट नहीं है, कैमरा बंद हो रखे। मैंने पूछा आसपास सर वर्कर्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, उनको पूछूंगा। वो कहते कोई था ही नहीं, अकेले थे तुम। फिर ऐसे करते करते वो खींचते गए, एट लास्ट उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा पीटी टीचर है वो आके तुम्हें बोल रहा है अपने जूनियर पे बात डाल दो, आई विल सेव हिम, तुम दोनों को बचा लूंगा, तुम ब्लेम जो है अपने जूनियर पे डाल दो, तब तुम क्या करोगे? देन आई सेड सर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ लॉस्ट अंडर मी ओनली, इफ देर इज एनी फाइन आई विल पे इट सर। वो कहते फाइन नहीं पनिशमेंट होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर कर लूंगा। तो दे स्टार्टेड स्माइलिंग एंड सर थैंक यू एंड हाउ वाज योर स्टे, पूछ के छोड़ दिया। ठीक है, बढ़िया। और ये क्लियर कट केस था रिकमेंडेशन का, अच्छा लगा। जो सिचुएशन आपको दी थी, किसी ने रेज किया होगा आपके बारे में कि चाहे पीटी हो चाहे साइक हो चाहे इंटरव्यू हो, कि इसको ये पॉइंट पे चेक करना है, दैट इज व्हाई दे हैव आस्क्ड यू। अदरवाइज दे कुड हैव आस्क्ड यू कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड एंड सेशन फॉर द एसएसबी। ये यस सर, कॉमन पैटर्न क्वेश्चन है। उसके बाद फिर 2:30 बजे आ गए होंगे, 2:30-3 बजे आपका रिजल्ट, और फिर तो लंच यस सर, लंच लंच भी बहुत अच्छा लगता है ना। यस सर, तो बहुत बढ़िया है राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मज़ा आया यार इंटरव्यू करके। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, थैंक यू सर, और भगवान करे आप टॉप मोस्ट रैंक तक जाओ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरे स्टूडेंट टॉप मोस्ट रैंक पे रहें, ठीक है। श्योर सर, आर्मी चूज किया हुआ ना आपने प्रेफरेंस, यस सर, बढ़िया। तो गोली वोली चलाओगे, मज़ा आएगा। यस सर, ठीक है राहुल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, एंड अपने देश थैंक यू का सर, नाम, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम, अपने टीचर्स का नाम, स्कूल का नाम, होशियारपुर का नाम, पंजाब का नाम आपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। यस सर, बच्चों को और मोटिवेट करना है क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत चल रहा है इस समय पंजाब के अंदर। आप एक यस एग्जाम्पल सर, हो, और यस मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ना अपने जितने भी ग्रुप्स में होंगे ना उनके अंदर जरूर शेयर करना है। यार पंजाब में श्योर लोगों सर, को जो बाहर जाने का क्रेज है ना, वो थोड़ा शांत हो और देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बा पैदा हो यार, ठीक है। आई श्योर वॉन्ट दिस कि पंजाब के बच्चे भी आगे निकले। बहुत खुशी हुई जब आपने मुझे बताया ना, बहुत खुशी हुई मुझे सच्ची में, ठीक है। और बाय द वे इज आर ऑफलाइन स्टूडेंट एज वेल, ठीक है। ये 4 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स एस एस बी गाइड अम्बाला से करके आया, तो वी आर शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली, आपको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। चलो राहुल, खत्म थैंक यू सो करते हैं मच सर, इंटरव्यू। जय हिंद। जय हिंद सर।